हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कोई अलग से नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा जो हम पहले समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि जो हम आवेश को संचित कर रहे हैं तो जिस ऑब्जेक्ट में जिसमें कर रहे हैं वस्तु में, उसकी आकृति अलग है, उसका शेप अलग है। पहले हम किस में आवेश संचित करते थे, पहले हम समांतर प्लेट में करते थे। अब यहाँ पे समांतर प्लेट की जगह क्या है, यहाँ पे धातु का गोलीय कोष है। किसका, धातु का गोलीय कोष। का मतलब समझो, जैसे कि हमारे पास कोई प्लास्टिक की बॉल होती है तो वो खोखली होती है, ऊपरी का उसका बस खोल होता है, अंदर से पूरी खोखली होती है, वैसा ही यहाँ पर है। बस यहाँ पे क्या, धातु की है ये बॉल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पे धातु की दो बॉल हैं, एक की त्रिज्या दूसरे से कम है, एक की त्रिज्या दूसरे से कम है। तो हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि जब हम दो गोलीय कोष को एक को दूसरे के अंदर इस तरह से रख दें कि दोनों के केंद्र एक दूसरे के समकेंद्री हो जाएं। समकेंद्री का मतलब क्या है भाई, जो बड़े वाले गोले का केंद्र हो और जो छोटे वाले गोले का केंद्र हो, उन दोनों गोलों का केंद्र एक ही हो जाए, ठीक है भाई। ये सब बातें आप लोग समझ गए, यानी कि ये हमने एक संधारित्र बना लिया। अच्छा, अगला काम क्या करते हैं, अगला काम ये करते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना हो, कैपिटल के हो। ये सब चीजें हमने पहले भी किया था, किसमें, समांतर प्लेट संधारित्र में, ठीक है। अब अगला काम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम, कि इसमें एक धातु की छड़ जुड़ी हुई है। धातु की छड़ इस प्रकार से जुड़ी है कि वो अंदर वाले गोले से तो जुड़ी है लेकिन बाहर वाले गोले को टच नहीं करेगी, बाहर वाले गोले को टच नहीं करेगी। कि कैसे, जैसे हम लोग किसी वायर में से धारा बहती है, हम उस तार को पकड़ लेते हैं, हमको करंट नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर रबड़ या प्लास्टिक की एक खोल चढ़ी होती है। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे हमने कोई कुचालक पदार्थ लगा दिया जिससे कि ये बाहर वाले गोले से टच ना हो, और टच क्यों ना हो इसको अभी आप समझ जाओगे। अच्छा, अगला काम क्या है हमारा, कि इस बिंदु को हमने क्या माना, आर माना, जो छड़ आई इस बिंदु को हमने कैपिटल आर मान लिया। अब इस लोहे की छड़ पर, ये किसकी है, धातु की छड़ है, लोहे की ले लो या आप तावे की ले लो या एल्यूमिनियम की ले लो, यानी कि धातु की छड़ है, ठीक है। इसको हमने बाहर वैद्युत सप्लाई, यानी कि जो बाहर से हमारे पास करंट आ रहा है, उसको जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमें आवेश देना है, यहाँ से धन आवेश आ रहा है, कितना आवेश, धन आवेश। और यहाँ पे जो आवेश की मात्रा दे रहा है वो कितनी दे रहा है, क्यू दे रहे हैं, क्या मात्रा है, क्यू है। एक एक बात को अच्छे से समझते चलो, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस एक एक बात को अच्छे से समझते चलो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमने भाई यहाँ से आवेश दिया तो धातु की क्षण के द्वारा, धातु में आवेश बह जा, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, अच्छा यहाँ पे आवेश आ जाएगा कहाँ, अंदर वाले गोले पर आवेश, धन आवेश आ जाएगा, और ये एक समान रूप से पूरे धातु की सतह पर, जो गोला है धातु का उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई इतनी। अब अगली बात क्या है, एक बाहरी गोला है, बाहरी गोला है तो इसके दो प्रश्न हैं, एक तो अंदर वाला प्रश्न है, इसको एक बोल दो, बाहर वाले प्रश्न को दो बोल दो, ठीक है। अंदर वाले प्रश्न को हमने एक बोला, बाहर वाले प्रश्न को दो बोला। अब क्या होता है, बाहर वाला जो जो कोष है, इसके अंदर वाले प्रश्न पर एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। एक एक बात को अच्छे समझो, ये कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, अंदर वाले प्रश्न पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ये ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। और हमें ये पता है कि जब हम किसी धातु में हमारे पास प्लेट हो या किसी भी आकृति हो, इसके एक साइड में यदि हम प्रेरित आवेश उत्पन्न कराएं तो इसके अपोजिट साइड में तो दूसरे प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमको सब पता है ये सब चीज़ें। अच्छा, अब देखो, जब यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, ये कौन सा आवेश है, प्रेरित आवेश है, प्रेरक द्वारा उत्पन्न हुआ है, हमने दिया नहीं है ये आवेश, ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, तो इसके इस वाले सतह पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, भैया अभी हाल हमने देखा था क्या, अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न हो गया, ये भैया धन आवेश यहाँ पे उत्पन्न हो गया, ठीक है, ये धन आवेश आ गया। अब देखो हम क्या कर देते हैं कि बाहरी गोले को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं और इन धनावेशों को उदासीन कर देते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन, ये धनावेश हट जाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं रहेगा धनावेश, क्योंकि ये क्या हो गए, उदासीन हो गए,
ये धनावेश क्या हो गए, उदासीन हो गए हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये सब हमने धनावेश को हटा दिया। हमने पृथ्वी से क्यों जोड़ा, हम जानते हैं हमारे पास कोई भी यदि विद्युत उपकरण होता है उसके दो वायर होते हैं, एक से धारा जाती है और दूसरे से धारा निकलती है, यानी कि एक कोई रास्ते में लोग जाते जाएंगे तो निकलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए, तब तो उसमें और लोग जा पाएंगे। वैसा ही कॉन्सेप्ट है, हाँ यदि हम एक सिरे से यदि कुछ आवेश दे रहे थे तो हमारे पास एक दूसरा सिरा भी होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, अच्छा अब अगला काम क्या है हमारा, अब हमें देखना है कि भाई इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो हम फॉर्मूला जानते हैं धारिता के लिए, सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। अच्छा अब देखो, यहाँ पर हमने धन आवेश दिया था, उसकी मात्रा कितनी थी, क्यू थी, तो उतनी ही आवेश की मात्रा यहाँ अंदर उत्पन्न हो जाएगी, जो ऋण आवेश उत्पन्न हुए इसकी भी मात्रा कितनी होगी, क्यू ही होगी, बस क्यों ही होगा। लेकिन अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा यदि हमने अंदर धन आवेश दिया है तो इस वाली सतह पर, इस वाले पृष्ठ पर कौन सा आवेश की आएगा, यहाँ पे प्रकृति कैसी होगी, ऋण आवेश है तो ऋण प्रकृति हो जाएगी, बस आवेश की प्रकृति बदलेगी लेकिन मात्राएं दोनों की समान रहेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन पी, हमें क्यू पता है, क्यों पता है, क्योंकि हम आवेश तो दे रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हम कितना आवेश दे रहे हैं, हमने आवेश कितना दिया, क्यू दिया। अब हमें ये देखना है कि जब हमने क्यू आवेश दिया तो इस पर विभव कितना होगा। यदि हम किसी तरह से यहाँ पर विभव निकाल लें, किसी भी तरह से हम यहाँ पे विभव निकाल लें, विभव कहाँ निकालेंगे, यहाँ पे, यहाँ थोड़ी ना निकालेंगे, यहाँ पे नहीं निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, अच्छा यदि हम यहाँ विभव निकाल कर यदि इस फॉर्मूले में रख देंगे हमें सी पता चल जाएगा। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि यहाँ पे हम विभव निकालें। तो विभव निकालने से पहले हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि हम पहले इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके डेरिवेशन भी हम लोगों ने किए थे। यदि हमारे पास कोई आवेशित गोला है, आवेशित धातु का गोला है, तो इस आवेशित गोले की वजह से हमें विभव कुछ ना कुछ मिलेगा, और विभव कहाँ कहाँ मिल सकता है, किसी बाहरी बिंदु पर मिल सकता है, या इसके सतह पर मिल सकता है, या अंदर किसी बिंदु पर मिल सकता है। हमारे पास तीन तरह के पॉइंट बिंदु हो सकते हैं, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। हमने ये भी पढ़ा था इसमें, जो विभव की मात्रा इसके पृष्ठ पर आती है, जो विभव की मात्रा इसके पृष्ठ पर आती है वही विभव कहाँ होता है, वही विभव होता है इसके अंदर, इसके अंदर किसी बिंदु, कोई भी बिंदु कहीं पे भी ले लो, उसकी किसी भी बिंदु पर विभव की मात्रा वही होगी जो इसके सतह पर होगी। ये सब हम पहले से पढ़ बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें नया हम क्या जोड़ रहे हैं, नया हम ये जोड़ेंगे यदि इस गोले के अंदर एक आवेशित गोला और रखा हो, एक आवेशित गोला और रखा हो, उस पर कोई भी आवेशित हो, हमें इससे मतलब नहीं है, बस कैसा है ये आवेशित है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये गोला है इसमें भी आवेश है, तो इस आवेश की वजह से विभव उत्पन्न होगा, वैसा ही विभव हम बाहर भी निकाल सकते हैं, इस अंदर वाले गोले की सतह पर भी निकाल सकते हैं और इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें देखना क्या कहाँ पर है, हमें देखना है अंदर वाले गोले की सतह पर विभव देखना है, ठीक है। अब समझो तो अंदर वाले गोले की सतह पर विभव इसके आवेश के द्वारा उत्पन्न होगा, और जो बाहर एक गोला है उस पर आवेश है उसकी वजह से भी इसके सतह पर विभव उत्पन्न होगा। तो अंदर वाले गोले की सतह पर कितने विभव हो गए, दो विभव हो गए, एक तो इसके खुद की वजह से, एक बाहर वाले की वजह से। बात समझ में आ रही, तो अंदर वाले गोले पे कितने विभव हैं, दो विभव हैं, बस यही कॉन्सेप्ट जो है बस यहाँ अप्लाई कर देंगे। जैसे ही यहाँ अप्लाई करेंगे हमें बी पता चल जाएगा, जैसे ही बी पता चलेगा हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और सी की वैल्यू निकल आएगी, इतना सा काम बचा है। यदि आप ये वाली बात समझ गए कि अंदर वाले गोले पर विभव, बाहर वाले गोले पर विभव, यदि ये सब पता है तो आप पूरा डेरिवेशन को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और ये पता कब चलेगी ये बात, जब आपने पहले वाले लेक्चर वीडियो देखे होंगे, ठीक है। यदि आपको पहले वाली बात पता है तब, यदि नहीं पता है तो भाई देखने में समझने में बड़ी उलझन होगी। अच्छा अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा, अंदर वाले गोले पर पहले हमें देखना है विभव, अंदर वाले गोले की सतह पर विभव निकालना है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे तो अंदर वाले गोले पर देखेंगे, अंदर वाले गोले की सतह पर, अंदर वाले गोले की सतह पर विभव,
अंदर वाले गोले की सतह पर विभव जो है उसको हमने क्या माना, उसको मान लिया हमने बी डैश, क्या माना बी डैश माना। अच्छा अब एक बात समझो, अंदर वाले गोले पर भी आवेश तो इसकी वजह से खुद एक विभव उत्पन्न होगा इसकी सतह पर, उसको हम ले लेते हैं बी वन, क्या ले लिया बी वन ले लिया, ठीक है। अब बाहर वाला गोला है, इसके दो पृष्ठ हैं, एक अंदर वाला पृष्ठ है एक बाहर वाला पृष्ठ है, बात समझ में आ रही। अच्छा बाहर वाले पृष्ठ पे जो आवेश है वो कितना होगा, जीरो हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया था, ठीक है। अब बाहर वाले गोले के अंदर वाले पृष्ठ पे जो आवेश है उसकी वजह से इस यहाँ पे विभव होगा गोले, बस इतनी सी बात यदि आपको समझ में आ गई तो पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, हम क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले गोले के अंदर जो उत्पन्न हुआ है आवेश, यानी कि बाहर वाले गोले के अंदर वाले पृष्ठ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे बी टू। तो दो विभव हैं, तो इस पृष्ठ पर दो विभव हैं, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, कुल विभव आ जाएगा। अच्छा बी वन, बी क्या होता है, बी होता है विभव, और विभव का हम फॉर्मूला जानते हैं, विभव का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और क्यू अपॉन ए, ए जो है वो इसकी त्रिज्या है, ठीक है भाई ये हो गया। और हमने के क्यों लिया, क्यों, क्योंकि के यहाँ पे जो हमने परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका परावैद्युतांक है, इसलिए यहाँ फॉर्मूले में के आया है, ठीक है। प्लस अब वी टू, वी टू क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन, इसकी दूरी कितनी है इससे, वो है वी, त्रिज्या कितनी है इसकी, वी है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझो, जो बाहर वाला गोला है इसके अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न है, यानी कि आवेश की प्रकृति कैसी है, ऋण आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऋण आवेश लिखेंगे और जैसे ही यहाँ का जो ऋण है ब्रैकेट हटाएंगे वो ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे यदि हम कॉमन लेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, साथ में q को भी ले लो कॉमन, तो यहां क्या बचेगा वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, ये आया विभव, कौन सा विभव है ये विभव आया है अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, ठीक है भाई। और यहां क्या लिखा, अंदर वाले गोले की सतह पर विभव, ये वही है बात। अच्छा अब हमको देखना है बाहर वाले, बाहर वाले गोले के पृष्ठ पर विभव। अब आप समझो इसको, बाहर वाले गोले के पृष्ठ पर जो विभव है वो कितना है, जीरो है। क्यों जीरो होगा, क्योंकि भाई बाहर कोई आवेश ही नहीं बचा है, क्यों नहीं बचा है, क्योंकि हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पे कोई आवेश नहीं है तो विभव भी नहीं है, तो यहां का जो विभव है इसको हम बोल देंगे कितना, इसको बी डबल डैश बोल देंगे, तो बी डबल डैश वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक है भाई समझ गए। अब क्या करना है, अब हमारे पास दो विभव हैं, एक बाहर वाली सतह पर विभव है एक अंदर वाली, बाहर वाले पे जीरो है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाली विभव को माइनस और कम वाला विभव, तो हम क्या कर देंगे, जो बी नेट आएगा, बी नेट तो हम कैसे लिखेंगे, बी डैश माइनस बी डबल डैश, तो बी डैश कितना है, बी डैश इतना है और बी डबल डैश कितना है, ये जीरो है, तो कैसे लिखेंगे हम, क्यू अपॉन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और साथ में यहाँ ब्रैकेट में ए। देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पे क्यू भी है, क्यू आ गया और यहाँ पे ए भी, जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा बी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा ए और अपॉन में ए बी, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। माइनस यहाँ पे जीरो लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास बी नेट ये आ गया। बस अब हमारा काम हो गया, काम क्या हो गया कि बी की वैल्यू हमें यहाँ रख देनी है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन, क्यू अपॉन इसको यहाँ रखो तो हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पे हो जाएगा वी माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए अपॉन ए बी और ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और ये फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और ए बी ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पे हम, सी बराबर, सी बराबर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन बी माइनस ए, इसको सॉल्व करना इतना ही निकलेगा, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू आई, ये क्या है,
ये धारिता है, किसकी धारिता, ये गोलाकार संधारित्र की धारिता है। अब देखो इसके केस बनेंगे, अब ये करेंगे C बराबर लिखेंगे इस तरीके से, देखो 4πε0 जो है ये कॉमन है, ठीक है ये कॉमन है, तो इसको हम हटाकर क्या लगाएंगे, एक प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे और के ए वी अपॉन वी माइनस ए, ये हमारा एक रिजल्ट बना। इससे देखो एक स्पेशल केसेस बनाएंगे हम, इससे हम थोड़ा सा स्पेशल केस ये बनाएंगे कि जब हमारे पास परावैद्युतांक के की वैल्यू ज़्यादा हो, इसके अंदर जो परावैद्युत पदार्थ है इसका जो परावैद्युतांक है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो यानी कि के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी प्रोपोर्शनल के, और सेकेंड कंडीशन क्या बन सकती है सी प्रोपोर्शनल ए वी, नेक्स्ट क्या बन जाएगी सी प्रोपोर्शनल 1/b-a, बात समझ में आ रही है। अब तीनों को समझो, यदि अंदर वाले परावैद्युतांक की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता भी बढ़ेगी, यदि k की वैल्यू बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी, ठीक है भाई ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है ए बी, ए बी क्या है, ए बी है इन कोषों की गोलीय कोषों की त्रिज्या, तो यदि हम ए बी या ए की वैल्यू बढ़ाएं या बी की वैल्यू बढ़ाएं या दोनों की वैल्यू बढ़ाएं, दोनों की त्रिज्याएं बढ़ाएं, तो इसकी धारिता बढ़ेगी, भाई एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब बात आती है बी माइनस ए, बी माइनस क्या है, ए क्या है, ये है इन दो सतहों के बीच का गैप, यानी कि जो इन दोनों जो तल है ना इनके बीच की जो दूरी है, सतह जो गोलीय कोष है इसकी सतह है और बाहरी वाले की, इन दोनों सतहों के बीच की जो गैप है ये, तो यदि इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे तो हमारे पास धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 1/ में है, बात समझ में आ रही। यदि और ये जो तल है इनको बीच में और पास पास ले आए, यदि और ये पास पास आ जाएंगे तो इसकी जो धारिता है ये बढ़ जाएगी, बात समझ में आ रही। अब लेकिन ये सेकेंड वाला जो पॉइंट है इसको समझो, जो संधारित्र है ये हमसे कहता है कि हमें चालक का आकार नहीं बदलना है, हमें चालक का आकार नहीं बदलना है, हमें चालक का आकार बदले बिना, हमें चालक के आकार को बदले बिना उसकी धारिता को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये वाला जो नियम है ये संधारित्र के नियम का विरोध करता है, तो ये वाला काम हम नहीं करेंगे, यानी कि हम ए बी को नहीं बढ़ाएंगे, बात समझ आ रही। हाँ इतना कर सकते हैं हम बी माइनस ए को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दो सतहों के बीच की दूरी है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये हमारे स्पेशल पॉइंट हो गए, तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।